प्रधानमंत्री का ये 23 साल बाद पुष्कर दौरा हो रहा है। हम आपको प्रधानमंत्री की 23 साल पुरानी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो पुष्कर आए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री के दस्तखत वाले कागज आज भी पुष्कर में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वही कागजात जिन पर प्रधानमंत्री ने दस्तखत किए थे 23 साल पहले प्रधानमंत्री पुष्कर गए थे, और आज 23 साल बाद फिर से प्रधानमंत्री पुष्कर के दौरे पे हैं। खास करके ब्रह्मा मंदिर में वो आज पूजा अर्चना करेंगे। ये विश्व का एक ही ब्रह्मा मंदिर है जहां पर लोग दूर दूर से पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और आज 23 साल बाद प्रधानमंत्री भी पुष्कर पहुंच रहे हैं जहां पर उनके स्वागत की तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्कर दौरा कितना खास होने वाला है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्कर पहुंचेंगे। पुष्कर चारों तरफ से पहाड़ों के साथ घिरा है। यहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही वहां पर सेना का एक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। इसके साथ ही जानकारी ये दी जा रही है कि प्रधानमंत्री 3 हेलीकॉप्टरों के साथ पुष्कर पहुंचेंगे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, बाकी 2 हेलीकॉप्टर सेना के होंगे। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर लैंडिंग का बाकायदा इंतजाम कर दिया गया है। पुष्कर पहुंचने वाले हैं। पुष्कर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मंदिर परिसर वो जाएंगे जहां पूजा अर्चना की जाएगी। उनके इस दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पहुंचेंगे। उससे पहले सेना का एक हेलीकॉप्टर यहां पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के साथ 2 और हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड होगा, उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर्स को यहां पर लैंड करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए भी बाकायदा यहां पर SPG को भी तैनात किया गया है, और सेना के जवान भी यहां पर तैनात रहेंगे। तो पुष्कर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलीकॉप्टर के जरिए ये लैंडिंग करवाई जाएगी, और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का पुष्कर दौरा शुरू हो जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 साल पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं। इससे पहले जब उन्होंने पुष्कर का दौरा किया था उस वक्त की ये तस्वीर सामने आई है, और अब करीब 23 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से ही पुष्कर दौरा, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री यहां पर लैंड होंगे। सेना का हेलीकॉप्टर उनसे पहले लैंड होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 और हेलीकॉप्टर होंगे, सेना के हेलीकॉप्टर उनके साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री की पुष्कर यात्रा को लेकर वहां के लोग भी उत्साहित हैं। सभी प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। हमारे संवाददाता ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं से प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बातचीत की। बहुत अच्छा अवसर है, ब्रह्मा जी के दर्शन करने नहीं आए, मोदी से मिले। क्या बात है, दोनों उनके बहाने ब्रह्मा जी के भी दर्शन कर रहे हैं। हम मोदी जी की रैली में ही आए हैं टोक से।